हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू करूंगा अपनी कार शोडा कुशाक, जो मेरे पास ऑलमोस्ट 4 महीनों से है। ये लगभग 3000 किलोमीटर चल गई है। तो मैं आपको इसके प्लस एंड माइनसेस, प्रोज एंड कॉन्स ये सब समझाऊंगा आज। तो लुक वाइज कार बहुत बढ़िया है, सेम ऐसी फॉक्सवैगन में भी आती है, लेकिन उससे ये फार फार बेटर है लुक वाइज। इंजन सेम है, इसमें दो ऑप्शन आती हैं, एक 1 लीटर, एक 1.5 लीटर। मेरा वाला 1.5 लीटर है और ये उसका टॉप मॉडल है स्टाइल। इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं, एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। एक्टिव बेस है, एम्बिशन मिड है और स्टाइल ही है। अब इससे ऊपर भी एक आता है मोंटे कार्लो, बट उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस वो लाल रंग में होती है थोड़ी अंदर से इंटीरियर वगैरह, बाकी सब सेम है। तो फर्स्ट इसकी लुक का रिव्यू। तो सबसे पहले जैसे इसका आप फ्रंट पे लोगो देख सकते हो, बहुत सुंदर लगता है और इसकी फ्रंट ग्रिल बहुत बढ़िया है। इसकी लाइट्स, हेडलाइट्स बहुत अच्छी लाइट्स है। मेरे पास इससे पहले स्विफ्ट थी, उससे फार फार बेटर लाइट्स हैं इसकी। और इसके नीचे ये जो है, ये DRLs हैं इसकी, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। ये चलती हैं, बहुत सुंदर लगती है। और ये नीचे फॉग लैम्प्स हैं ये वाले, तो इसके फॉग लैम्प्स येलो हैं। कईयों में आजकल वाइट कलर की LED आने लग पड़ी है, लेकिन उसमें इशू क्या होता है, जब एक्चुअल में फॉग पड़ती है तो उसमें नज़र नहीं आएगा किसी को भी आगे से, ना आपको ना किसी और को। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब सोच समझ के बनाई हुई कार है। और इसका ये ऊपर आपका सनरूफ है, छोटा है लेकिन काम का है, जितना चाहिए होता है। और ये इसके ORVMs हैं। और जैसे ही हम इसको, ये कीलेस एंट्री है इसकी, मैं आपको पहले इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो की कुछ ऐसी आती है, ये इसके ऊपर ये लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन का है, ओके। और ये फ्लिप की है, तो अगर आप इसको दबाएंगे तो ये खुल जाती है। थोड़ी अभी मेरे हाथ में नहीं आ रही, एक सेकेंड, हाँ ये, तो इसको वापस बंद भी कर देंगे। एनीवेज, तो आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी पॉकेट में रखो और इसको अगर आप ये रिक्वेस्ट सेंसर को दबाएंगे तो ये खुल जाएगी और ORVMs आपको वेलकम करते हैं एक तरह से। ये आजकल नए 2022 के जो मॉडल्स आ रहे थे उसमें ये बंद हो गया बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज। एनीवेज, तो ये है कुछ इसकी लुक, बहुत अच्छी। इंटीरियर इसका बहुत ही प्रीमियम लगता है सेगमेंट के अंदर, आई थिंक सबसे बेटर है। मतलब मैंने सारी देखी हैं, बाकी क्रेटा, सेल्टोस और भी जो भी आती हैं, सब मैंने देखी हैं, सब में सबसे अच्छा इसका ही है। और मैं आपको कुछ बैठ के बताता हूँ, एक मिनट इसके पीछे कर लेता हूँ सीट जरा सी, ओके। तो ये हम आ गए अंदर। काफ़ी हैवी डोर है इसका, आपको पता चल जाएगा जब आप इसको बंद करोगे या किसी दूसरी को बंद करोगे दरवाजे को, जैसे क्रेटा वगैरह के, तो फार फार बेटर है इसका। ये है इसका, एक मिनट मैं इसको ऑन करता हूँ, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से ऑन होता है और क्लच दबा के ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो क्योंकि ये जो होता है ये टर्बो इंजन है, तो थोड़ी देर के लिए आपको इसको ऑन रखना चाहिए, जब ये सुई इससे नीचे आ जाए 1000 RPM से, उसके बाद इसको चलाइए। ये है, बहुत ही बढ़िया इसका टच है, सब कुछ, कंसोल बहुत बढ़िया है। तो बैक जाओ, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है, तो सब कुछ है बढ़िया। नेविगेशन वगैरह इसमें हो जाती है आपके, उससे कनेक्ट करके। इसमें वायरलेस चार्जिंग आती है, जो खैर काफ़ी स्लो है, मेरे को इतनी पसंद नहीं है। तो उसकी जगह मैंने ये पोर्ट्स ही लगाए हैं, ये जो टाइप सी के होते हैं पोर्ट्स, इसके अंदर से ही चार्ज करता हूँ। ओके सॉरी, गाने ऑन हो गए। ओके, तो सबसे पहले इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके ऊपर नीचे जाता है आपका इंजन की हीटिंग वगैरह का आता है, उसके बाद ये आपका स्पीडोमीटर है और ये आपका डिजिटल वाला है। इसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, अगर आप आगे पीछे करोगे तो देखो वहाँ पे चलता है, जिस पे भी आप जाओगे उसको सिलेक्ट करो, यहाँ से ये जो बीच वाले हैं आपके, इनसे ये इससे उसमें सिलेक्ट वगैरह ऑप्शन जो हैं वो आती है। ये बटन हैं सारे यहाँ पे, इस तरफ आपका म्यूज़िक वगैरह का, स्पीच कंट्रोल, और यहाँ ये इसके उल्टे आते हैं। तो ये वाला अगर आप देखोगे, इस तरफ आपका इंडिकेटर वगैरह का है और ये ऊपर आपका क्रूज़ कंट्रोल का है, सेटअप है। और आपके वाइपर्स वगैरह इस तरफ आते हैं इसमें, ये सब जर्मन या यूरोपियन रैदर, क्योंकि ये तो चेक कार है, इन सब में ये उल्टी तरफ आता है हमारी बाकी कार से। तो AC इसका, AC इतना बढ़िया नहीं मेरे को लगता, इतना ठीक ठीक है, पर म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। म्यूज़िक सिस्टम इसका स्कोडा साउंड वाला बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, अच्छा है। ये मटेरियल मैंने बहुत सुनी लोगों की बुराई है कि मटेरियल इतना अच्छा लगता है, पता नहीं, मेरे को तो बढ़िया लगा इसका मटेरियल, इसकी लुक की ये सारी। और ये खैर इसकी तो सब तारीफ़ करते हैं, जो 2-spoke स्टीयरिंग व्हील है। और AC मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा, इसमें हमारी जो कार सीट है वो कूल्ड आती हैं,
उसके बटन यहाँ पे हैं, ये उस तरफ की और ये मेरी साइड की। ये लॉक अनलॉक का, ये ऑटो स्टार्ट, अगर जैसे आप कहीं ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े हो तो इसको अगर आप ऑफ़ नहीं करते तो गाड़ी बंद हो जाती है थोड़ी देर के बाद। और इसका ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर है मतलब, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सेटअप उसका। ये इसका ये ग्लव बॉक्स ठीक ठाक साइज़ है। ऊपर मैंने सनरूफ अभी खोली है लाइट के लिए, वैसे आप यहाँ से खोल सकते हो इसको, ये करोगे तो ऐसे खुल जाती है, बढ़िया है। इसको बंद कर दो और अगर हाथ बीच में कर दोगे तो ये वापस चली जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एंटी पिंच समथिंग होता है। और ये उस तरफ का डोर, ये पीछे की सीट्स, अब पीछे जाते हैं उसके बाद आगे का बताता हूँ। ओके, तो ये हम आ गए पीछे। पीछे की सीट्स काफ़ी वाइड है, मतलब काफ़ी जगह है आपके पास, मतलब मैं अब स्विफ्ट से कंपेयर कर रहा हूँ तो उससे तो काफ़ी वाइड है। पीछे भी आपको सिर्फ वही टाइप सी के ही मिलते हैं, इसमें कहीं पे भी आपको यूएसबी वाला पोर्ट नहीं मिलेगा, टाइप सी ही है। और ये पीछे सी वेंट्स हैं, ठीक ठाक है पीछे ठंडा। और ये आपकी पीछे एलईडी लाइट्स आती हैं यहाँ पे ये सारी। और ये इसकी रूफ़ है, ये इसके हैंड होल्डिंग के हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हो। और पीछे ये एक बटन आता है, ये इसका डोर का है। और डोर हैंडल में एक चीज़ है, ये जैसे लॉक होगा तो ये इसका और कोई बटन नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो इसी को एक बार करोगे तो ये अनलॉक होता है, दूसरी बार करोगे तो खुलता है, लॉक नहीं है गाड़ी। और ये पीछे से इसकी कुछ ऐसी लुक है, अच्छी है, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, मतलब लुक वाइज तो मेरे को बहुत पसंद आई है। ओके, तो अब हम आगे पीछे से। पीछे से इसकी लुक मेरे को सबसे अच्छी, इसकी पीछे से ही लुक लगी सबसे अच्छी, इन द सेंस कि फॉक्स वैगन वाली कार से, मतलब टिगुआन है शायद, तो उससे बेटर इसकी पीछे की लुक बहुत बहुत बेटर लगी। तो इसके अंदर आपके यहाँ ऊपर DRLs आते हैं, ये जो आपके रिवर्स वाले हैं ये नॉर्मल बल्ब्स हैं। और पीछे स्कोडा लिखा आता है कुशाक, इसका कोई मॉडल वगैरह लिखा नहीं आता कि कौन सा एक्टिव है, स्टाइल है, ये है वो है। और ये थ्री टोन में आता है, एक तरह से वाइट, ये ब्लैक और नीचे ग्रे। और अगर अब इसकी टायर प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो बहुत सुंदर इसके अलॉय व्हील्स हैं, बहुत ही सुंदर। और इसकी है प्रोफाइल 205/55 R17। तो ये R17 तो ठीक है लेकिन बस थोड़े चौड़े कम है अगर देखा जाए ना, अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कार से इसके इतने नहीं है, वाइट है। और अगर आप नीचे देखोगे तो इसके दो एग्जॉस्ट आपको दिखेंगे। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके प्लस और माइनसेस। ओके, सो इसके प्रोज़ हैं कि बहुत बढ़िया चलती है कार, अगर आप इसको मतलब किसी को भी ओवरटेक करना है मस्त, कोई इशू नहीं आएगा कभी भी, बहुत बहुत पिकअप है इस कार की, जैसे छोटी कार होती है उस तरीके से चलती है, काफ़ी है बड़ी बट छोटी कार की तरह चलती है। और इसकी लाइट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल है, मतलब स्विफ्ट का मेरे को बहुत अच्छा लगता था जो ड्राइविंग थी, लेकिन इसकी भी उसकी टक्कर की है तो बहुत अच्छी है। बोनट पूरा नज़र आता है, बहुत बढ़िया और अच्छी है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी टॉप। मेरी जो मेन प्रायोरिटी थी कार को लेने के लिए वो थी बिल्ड क्वालिटी, तो इस कार की बहुत अच्छी है, मतलब क्रेटा और सेल्टोस और ये सब तो इसके मतलब आसपास भी नहीं आती कहीं, तो बहुत बहुत अच्छी कार उस मामले में। 6 एयरबैग्स हैं इसके अंदर और 1500 cc का इंजन है, बहुत बढ़िया है। पर मेनली मैं आपको बताता हूँ इसके नेगेटिव्स क्या हैं। एक, एज ए इंडियन मतलब हम हमेशा इसकी माइलेज देखेंगे कार की, राइट, वो थोड़ी इसकी कम है, मतलब मैंने जितने मर्ज़ी आराम से चला ली ये वो 17-18 तक गई, लेकिन मेरे को पता है कि जो क्रेटा वगैरह है वो सब 20 से ऊपर ऊपर होती है एवरेज उनकी, मारुति की तो खैर आपको पता ही है। तो वो एक इशू है। और एक मैंने इसका EPC एरर का इशू मैंने फेस किया, वो एक्चुअली कार की गलती नहीं थी, वो जो डीलर थे जिनसे मैंने ली थी उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने इसका जो कूलेंट था, जो कूलेंट यहाँ इंजन में यहाँ पे पिंक से कलर का डाल के देते हैं, वो बहुत कम डाला हुआ था। तो एक कार एक जगह बंद हो गई थी और बहुत ही गंदा सा रोड था वो पहाड़ों वाला, तो वहाँ बंद हो गई थी, तो मतलब कि ओवर हीट होके, तो बाद में 5 मिनट बाद स्टार्ट हो गई वापस चलने पे, तो है रिलायबल कार है, ऐसे कोई इशू नहीं देती, बस वो एक इशू आया था। उसके अलावा चलने में बहुत अच्छी, एवरेज थोड़ी कम है, माइलेज मतलब थोड़ी कम है, बाकी लुक वाइज बहुत बढ़िया है। और इतने कम लोगों के पास है, जैसे मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ तो बिल्कुल मेरे को दिखती भी नहीं है किसी और के पास ये वाली कार, तो यूनिकनेस है वो एक प्लस पॉइंट है। सनरूफ ऑफकोर्स थोड़ी बड़ी दे सकते थे, मतलब बहुत छोटी सी दी हुई है, जैसे क्या बोलूँ, एक सेगमेंट नीचे की कारों में आ सकती है इससे बड़ी आई थिंक। बाकी तो बढ़िया है, बैचिंग वगैरह सब अच्छी है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, AC, यस AC एक बहुत बड़ा इशू है, AC इसका अगर ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत ही स्लो कूलिंग है उसकी। ऑफ कोर्स जब
कूल कर रहा था, उसके बाद तो ठीक था, बट लेकिन स्विफ्ट की ज़्यादा अच्छा था इससे, इसी मेरे हिसाब से, या शायद वो छोटी कार थी, आई डोंट नो, बट इससे बेटर था। बाकी और कॉर्नरिंग लाइट्स हैं इसमें बहुत अच्छी हैं, जिधर को मोड़ते उधर की ये नीचे की फॉग लाइट ऑन आ जाती है। थोड़ा वो लगता है अजीब सा, मतलब नज़र आती है आपको कि येलो कलर की लाइट एक पड़ रही है, तो आपको पता चलता है कि वो ऑन हुई है। बाकी ऐसा और कोई इशू नहीं है, तो आप इस पर भी जा सकते हो, बहुत अच्छी कार है। मतलब सेफ्टी वाइज अगर आप देखो तो अगर आपको फैमिली की थोड़ी सेफ्टी की चिंता है, तो इससे बेटर कार इस रेंज में आई डोंट थिंक कोई है। इससे बेटर एक कार जो इससे एक रेंज ऊपर है वैसे, वो कंपस आएगी, मतलब मैं लेना वो चाहता था, बट वो रेंज से बाहर थी, तो ये 19 के आसपास पड़ जाती है, वो तो 23 से 24 की पड़ती जाके। और इसकी सर्विस का भी बता देता हूँ, इसकी सर्विस होती है 15,000 किलोमीटर के ऊपर पहली, तो वो एक अच्छी बात है। जैसे मारुति की मेरे को याद है 1,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, फिर हर 10,000 रुपये, इसकी सीधे ही 15 रुपये होगी जाके। और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, अच्छी बात है। बाकी साउंड बहुत अच्छी है इसकी, ये सब है। बाकी आप कमेंट्स में पूछ लो मेरे से अगर कोई आपको और चीज़ जाननी हो, तो आई विल बी रेडी टू हेल्प। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, बाय।